समस्तजन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शंकराचार्यं केशवं मातरायणं शूद्र स्वरूप एक है, उसकी जो अवस्था तीन है, एक निर्गुण निराकार अवस्था, वो परम ब्रह्म लक्षण है, उसको फिर तीन लक्षण में लक्षित किया जाता है, स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण, अतत व्यावृत्ति या नेति नेति लक्षण। उसी ब्रह्म के सगुण निराकार रूप है वो ईश्वर है, उस ईश्वर में भगवान की महानता वर्णन है, और उसी निर्गुण निराकार जब आकार लेते अवतार लेते सगुण साकार कहा जाता है, उसमें उनकी लीला के वर्णन है। तो स्वरूप वर्णनम उपनिषद में, महानता वर्णन वेद के कर्मकांड संहिता मंत्रभाग अरण्यक में, और लीला का वर्णन इतिहास पुराण में। इतिहास पुराणाभ्यम वेद संप्रबृहते, इतिहास और पुराण के माध्यम से वेद के अर्थ को ही प्रकाशित किया गया है। वेद के अर्थ कभी कभी लुक्कायित है, वेद के अर्थ कभी कभी परोक्ष प्रिय है, वेद के अर्थ कभी कभी प्रकाशित नहीं हो पाता है, इतिहास और पुराण के माध्यम से प्रकाशित हो जाता है। किसी को स्वरूप लक्षण के माध्यम से डायरेक्ट फ्लैश नहीं होता हुआ, इसलिए वेद व्यास जी भगवान के ही अवतार कृपा करके इतिहास पुराण लिखा, जिससे लीला के माध्यम से फ्लैश हो सकता है। अल्टीमेटली पहुंचना वही है, ब्रह्म निरूपण में, ब्रह्म के चिंतन में, ब्रह्म के ध्यान में। ब्रह्म ध्यायन्ति योगिनः, योगी लोग उस ब्रह्म को ध्यान करते हैं। अभी आचार्य ने कहा कि इतना मैंने बताया, अब ब्रह्म के निरूपण तुझे बता रहा हूं, हे शिष्य सुनो। क्या? अतः परम ब्रह्म सद्यतेयम्। विशुद्धं विज्ञान घनं निरंजनम्। प्रशांतमाद्यन्तविहीनमक्रियम्।
निरंतरानंद रस स्वरूपम निरस्त माया कृत सर्व भेदम नित्यं सुखं निष्कलम प्रमेयम् अरूपम अव्यक्तम अनाख्यम अव्ययम् ज्योति स्वयं किञ्चिदिदं चकास्ति निर्गुण निराकार का जो चिंतन है वो लक्षण जो हो लक्ष्यते अनेन इति लक्षण जिसके द्वारा लक्षित किया जाता है सूच्यते सूत्र किया जाता है इंडिकेट किया जाता है लक्षण करते इंडिकेट इंडिकेशंस अतः अब इसलिए अभी जो इतना चिंतन करने के बाद आत्मा अनात्मा विवेक और जो जगत है वो मिथ्या है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या और जगत क्या है देखा जाए तो ये जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कहते हैं ना वो रिलेटिव टर्म है जगत मिथ्या ये कोई अब्सोल्यूट वाक्य नहीं है समझने के लिए वो अब्सोल्यूट वाक्य कहा जाता है क्या है ना ब्रह्म एवेदम विश्व ये अब्सोल्यूट वाक्य है मुंडक उपनिषद में अथर्वेद के मुंडक उपनिषद में ब्रह्म एवेदम सर्व ये बताया गया पहले उन्होंने श्रौति वाक्यम भी कहा है ना 231 में ब्रह्म एवेदम विश्व इत्येव वाणी श्रौति मृते अथर्वनिष्ठा वरिष्ठाः उनको फिर विश्व मिथ्या नहीं दिखाई देता स्टार्टिंग में ये बांधता है प्रकृतिस्थ प्रकृति के साथ तादात्म्य हुआ है गुणों के साथ संग हुआ है इसलिए कहते हैं पहले उसको मिथ्या समझो शोभन अध्यास हुआ है शोभन अध्यास को दूर करने के लिए एक भावना होती है उसका नाम क्या है वेरी गुड इतना कें करके क्यों बोल रहा है ठीक से प्यार से जोर से बोलो नाम तो तेजा से डर डर के बोल रहा है सही होगा कि नहीं मन खराब है किसने डांटा तुमको अदन तो जोर से बोलो क्या है वो बोलने से कुछ खत्म हो जाता है तुम्हारा देन प्रतिपक्ष भावना शोभन अध्यास को दूर कैसे कर सकते हैं प्रतिपक्ष इसीलिए जगत मिथ्या जगत के प्रति शोभन अध्यास है जगत के प्रति तादात्म्य है जगत के प्रति क्या है अध्यास हो गया जगत के प्रति सुख की शोभन अध्यास है शोभन अध्यास माने क्या अध्यास माने सुपर इम्पोज शोभन माने सुंदरता ये जगत सुखमय है ये जगत अच्छा है ये स्वामी जी ये जगत सुखमय है जगत अच्छा है बोलने से तकलीफ क्या है तकलीफ ये कि वाह बन देता है गुण संग तकलीफ ये है कि निबध्नन्ति हाँ प्रकृति संभवाः सत्व रज तमो गुणाः निबध्नन्ति देहिनम देहे अव्ययम् बांध देता है अगर नहीं बांधता तो फिर चिंता नहीं कैसे जानेंगे स्वामी जी नहीं बांधता ब्रह्म एवेदं विश्वम जब अनुभव हो जाता है ये विश्व भी ब्रह्म है तब तो देखो किसी को बांधता नहीं मैं बताता हूं एग्जांपल सचमुच क्या इसमें है जब तुम लोग बोलोगे स्वामी जी मैं जो अगर ब्रह्म स्थिति में हो गया है उस स्थिति में तब तो फिर ये सब सुनने का क्या जरूरत है
अब मैं दो एग्जाम्पल देता हूं, अगर उसमें है तो फिर बढ़िया है। जब रामकृष्ण परमहंस के लिए विवाह करने के लिए लिया गया, ये प्रैक्टिकल है, ज्यादा साल नहीं है, 100 ईयर्स भी नहीं हुआ, तो रामकृष्ण परमहंस माँ शारदा को जब देखते हैं, उन्होंने प्रणाम किया दंडवत, माँ काली क्या आपके अंदर ऐसे है? अगर है तो आप भी नमस्य है, आपको भी प्रणाम करते हैं ऑटोमेटिक, और ऑटोमेटिक आपको आपका जीवन इतना असंग हो जाएगा, आपको बोलना भी नहीं चाहिए मुझे प्रणाम करो, लोग प्रणाम करेंगे, आप उसमें इंटरेस्ट ही भी नहीं है। कोई आपको प्रणाम करे, वो एक सुंदर है, परवेल्ले स्वामी, परवेल्ले स्वामी एक उपनिषद गंगा में, उनको जूता माला दे रहा है तो भी चिंता नहीं, उनको फूल माला दे रहे तो भी चिंता नहीं, परवेल्ले स्वामी, परवेल्ले मतलब परवाने, तमिल भाषा है परवेल्ले, ऐसी स्थिति है रामकृष्ण परमहंस। द्वितीय सुनो, कोई अगर बोलेगा कि स्वामी जी हाँ मुझे उस स्थिति को समझ में आ गया, मुझे स्थिति पहुंच रहे हाँ, तो फिर आनंद करो, मस्ती करो। नहीं नहीं स्वामी जी, वो जो फिर ना क्लास मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर अच्छा नहीं लग रहा कौन बोल रहा है? ब्रह्मा के जीव, तो फिर अच्छा लग रहा अच्छा नहीं लग रहा ये तो प्रश्न ही नहीं उठता, फिर ये खराब ये वो ये है प्रश्न ही नहीं उठता है। वो राकेश शर्मा है, आपको सब समान दिखाई देता है, और जो वैराग्य आ जाता है ना, फिर आप किसी से पूछते नहीं है कि ये अच्छा है कि ये बुरा है, उस स्थिति में आप रहोगे। एक छोटी सी एग्जाम्पल है, शायद बताया होगा, एक पत्नी आकर रोने लगी एक चिट्ठी लेकर के कि मेरा भैया शिवरात्रि परसों है संन्यास बन जाएगा करके लेकर रोने लगे पति के सामने। पति देव को पता है अपने जो सुनाम धन्य शालक है, एक इसके अंदर कितने वैराग्य है, वो जो पति थे पुराने जमाने के है, कोई बाथरूम पथरूम नहीं होता था, छोटा सा गमछा पहनते, गमछा समझ रहे हो, तेरा तो अच्छा वाला है, लाल लाल वाला गंदा वाला गमछा पहनते हैं ऐसे गमछा स्नान करते समय, फिर उसके बाद तेल लगाते हैं। मैंने भी बचपन में किया है, नदी फदी जाने के लिए, नदी को जाने वाले थे और एक गमछा नीचे पड़ा हुआ, उसको लेके जाएंगे ऐसे, ठीक है, और वो तेल लगा रहे हैं। इसी समय पत्नी आई, पत्नी को मेरा भाई संन्यास बने, वो पत्नी वो जो पतिदेव है ना 5 साल से सुन रहा है पत्नी से कि आज का भैया संन्यास बनेगा संन्यास बनेगा, 5 साल से, तो कहते मैं तो 5 साल से ही सुन रहा हूं संन्यास बनेगा, संन्यास ऐसे नहीं बनते, संन्यास कैसे बनते पता है ना? कैसे बनते, उनका तेल खत्म हुआ, वो जो क्या बोलते हैं वो तेल का जो डब बोतल का जो ऊपर वाला बोलते अच्छा, ढक्कन को भी बंद नहीं किया, ऐसे ही पड़ा रहा, केवल जस्ट एक गमछा पकड़ लिया, सेकंड गमछा जरूरत पड़ेगा अगर पकड़ लिया, बोले देखो संन्यास कैसे लिया जाता है, कृपो चला गया। और आज तो वो पत्नी रो रही है, वो आया ही नहीं है, बीच बीच में मुझे पूछ रहे हो पत्नी के ढूंढ ढांड करो कि आपके पास आया क्या इसको कहते हैं संन्यास, इसको कहते हैं उस स्थिति, संन्यास पूछा नहीं जाता है। अगर आप पूछोगे कि स्वामी जी मैं संन्यास लूंगा, पूछा नहीं जाता है, पूछोगे मन मध्यम। अभी मुझे किसी ने प्रश्न पूछा हो क्लास में, वो तो गृहस्थ लोग है, एसएमएस में पूछते हैं कि हमारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, अभी बेटा अभी शादी नहीं हुआ, बेटी शादी नहीं हुई, मगर हमारे मन है संन्यास लेने के लिए, उत्तरकाशी जाने के लिए, ऋषिकेश में पूरा त्याग करें, बोले नो,
अगर हमें बिना कुछ के चली जाती अलग बात है, तो तेरा पति देव, तेरा बेटा, तेरा बेटी अपने आप में कुछ कर लेते हैं, और तुम अभी पूछ रहे हो मुझे, मीन्स नो रेस्पॉन्सिबिलिटीज अभी है, इसलिए बीच में छोड़ना जरूरत नहीं, तुम कंप्लीट करो फिर जाओ। पूछा नहीं जाता है, त्याग हो जाता है, वो जो ब्रह्म स्थिति है वो अपने आप आता है। अभी उसको ही बारंबार देते हैं, वो जो हमारे षडलिंग है ना, उपक्रम उपसंहार में अभ्यास है, उसी के अभ्यास, वही अभ्यास प्लस शास्त्रानुयायी बिकम्स निधि ध्यासन। अभ्यास को जब शास्त्र के अनुसार करते हो, निधि ध्यासन हो जाता है। क्या अभ्यास करना? मैं परम ब्रह्म हूं, मैं सत अद्वितीय हूं, स्वरूप लक्षण तटस्थ लक्षण याद रख लेना, परम ब्रह्म स्वरूप लक्षण, सत स्वरूप लक्षण, अद्वितीय अतद्व्यावृत्ति। रेडी रहो बाबा, विशुद्धम स्वरूप लक्षण, विज्ञान घनम स्वरूप लक्षण। क्या बहुत लोग आंसर दे दे रहे, शिवर आपको क्या हो गया, आप आंसर दो। आप तो ये नहीं बता सकते हो, आप इन लोगों को ही पूछते हो, मैं तो किसी को पूछता नहीं, बोलता हूँ आप बोलो। नहीं नहीं स्वामी जी, आप नियम करते हो ना, एक ही बोलो, वो अलग कर ले, आपको पसंद नहीं है, कुछ तो आवाज सुनना चाहिए ना। निरंजनम तटस्थ नहीं, नी अंजनम जिसमें अंजन नहीं है, अतत व्यावृत्ति लक्षण। प्रशांतम प्रशांतम प्रकर्षेण शांतम प्रकाशम प्रशांतम स्वरूप लक्षण, आद्यंत विहीनम अतद्व्यावृत्ति, आदि अंत से अक्रियम, इसका अर्थ समझ रहे हो ना, जिसमें क्रिया नहीं है, जिसमें आदि और अंत नहीं है, स्पष्ट शब्द क्लियर है इसलिए मैं बता नहीं रहा, और थोड़ा सा है, आप विचार जब करोगे जान लो। निरंतर आनंद स्वरूपम, निरंतर आनंद रस स्वरूपम, ये की है, निरंतर आनंद रस स्वरूपम स्वरूप लक्षण। अर्थात ये जो आनंद है, मैंने पहले बताया था ना, ये नहीं कि कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, इसलिए निरंतर, और ये आनंद सूखा सूखा नहीं है, रस है, और ये आनंद दूसरे पर नहीं है, परतंत्र नहीं है, स्वरूपम है। स्वरूप की परिभाषा क्या है? ना जिसके बिना जो पदार्थ रह नहीं सकता, अग्नि का स्वरूप उत्ताप है, उत्ताप बिना अग्नि नहीं हो सकता है, सूर्य का स्वरूप है प्रकाश है, प्रकाश बिना सूर्य नहीं हो सकता है, चीनी का स्वरूप है मिठास है, मिठास के बिना चीनी रह नहीं सकता, उसी को भगवान को कहते हैं साधर्मम आगता, गीता में साधर्मम आगता, मेरे स्वरूप स्थिति में जो आ जाता है। तो आनंद निरंतर आनंद रस स्वरूपम, आनंद ये जो सुख है ये दूसरे के पॉकेट नहीं है। गुरुदेव बोलते थे ना, डोंट कीप योर हैप्पीनेस इन अदर्स पॉकेट, माने क्या है, कोई तुमको हरिओम कहता है, कोई अच्छा कहता है तो तुम अच्छे बनते, कोई अच्छा नहीं कहता तो अच्छा नहीं बनते। नो, दैट मीन्स तुम दूसरे के सिद्धांत से चलते हो, अपना स्वरूप में चलो, दूसरे के नहीं, परवश नहीं, पराधीन सम दुख नहीं भाई, रामचरितमानस। भगवान कहते हैं पराधीन जैसा दुख और संसारी नहीं है, डोंट बी पराधीन। असली गुरु वही है, शिष्य को भी स्वतंत्र करा देते हैं, मुक्त हो जाओ, कोई बंधन नहीं। पूज्य गुरुदेव के समय में
जब कोई मिशन छोड़ता था कभी भी कुछ भी, गो आई हैव टॉट यू, वेर एवर यू गो स्प्रेड द नॉलेज व्हाट यू हैव लर्न, गो हैप्पीली, इफ एनी प्रॉब्लम आस्क मी। बड़े कारुणिक करुणा सागर आय नमः। कभी नहीं, मेरे अंडर में इतना पढ़ा, 5 साल पढ़ा, उस समय 5 साल था ना, 5 साल पढ़ा, मैंने इतना खर्च किया, ये किया, फिर ये काम नहीं कर रहा है, चला जा रहा, कुछ भी दुख नहीं। हम लोग प्रचारक बन रहे हैं ना, आचार्य पढ़ के कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा चिंतन, अभी भी हम लोग चिंतन नहीं करते हैं। मैंने अपने कोर्स में 1.5 साल 2.5 साल था तो 2 साल तो कुछ पूछा ही नहीं, चुपचाप रहे, जानते थे कौन क्या है कैसा क्या है, फिर ऑटोमेटिक 2 साल के बाद पता चल जाता है उनके जो बातें हैं उनके चाहिए। फिर एक एक करके इंटरव्यू लिया मैंने पर्सनल रूम में, पूछा, फिर पूछा परमिशन है घर में, इसलिए इतना जल्दीबाजी नहीं है, अभी तो प्रारंभिक स्टेज है। एंड गुरुदेव की तो करुणा है, कभी भी आशा नहीं किया। फॉर्म में लिखा जाता है मगर एमओयू नहीं है, बॉन्डेज नहीं है, बॉन्ड नहीं है। पता है कुछ जो फॉरेन में जाते हैं ना, नौकरी जो करने वाला जो नौकरी करते जानते हैं, आपको इतने साल काम करना पड़ेगा करके बॉन्ड देना पड़ता है, अगर आप नहीं कर पाओगे तो पेनल्टी देना पड़ता है। आप इतने साल काम करोगे हमारी संस्था में और आपको इसलिए पैकेज दिया जाता है, अगर आप नहीं करोगे, इवन सिंपल नौकरी में भी आपको पता है ना, 3 महीने आपको नोटिस देना पड़ता है, नहीं तो नोटिस नहीं दिया तो आपका सैलरी कट हो जाता है ना, कितना, 1 महीना के 3 महीना क्या? अगर आपने नोटिस नहीं दिया और रेजिग्नेशन लेटर दे दिया तो आपका लास्ट पेमेंट कट जाता है, मिलता नहीं, पेनल्टी हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, हर चीज में है, मरिया कहते ना ना तुम आनंद स्वरूप हो, यही समझाया जा रहा है, एंड तुम स्वतंत्र हो, आनंद स्वरूप हो, निरं निरस्त मायाकृत सर्वभेद, अर्थात मायाकृत ये निर्मित, ये जो माया से निर्मित भेद जो है ना, माया प्रकृति से ही तो भेद होता है। विभक्तेषु अविभक्तम, जो विभक्त दिखाई दे रहा है ये मायाकृत जो भेद है वो निरस्त हो गया, निरस्त हो गया मतलब हट गया, चला गया, अपागतम हो गया, अपागतम शब्द है, निरस्त मायाकृत सर्वभेदम, ये कौन सा लक्षण है, तटस्थ लक्षण के लिए। अगर निरस्त के दृष्टि से देखेंगे तो तत्व्या हटाया ना, नहीं है, मगर मायाकृत भेद नहीं है, मायाकृत भेद के मेथड से बताएंगे तो तटस्थ, मगर ज्यादातर अतत्व व्यावृत्ति ही लग रहा है। नित्यम सुखम, जो सुख है वो नित्य है, गेन सुख अनित्य नहीं, कभी आता है कभी जाता है, ये नहीं है, नित्य सुखम हाँ ये स्वरूप लक्षण ठीक है। निष्कलम, कोई कलंक नहीं है, ये क्या है, अतत्व व्यावृत्ति, नेति है ना, नेति नेति नयति नयति बताएंगे अभी आगे के श्लोक में, बृहदारण्यक उपनिषद में ये वर्णन है, नेति नेति, न अणु हूँ न स्थूलम, न अणु है वो, अप्राण ही यमन, मुंडक उपनिषद में ये अप्राण है, ये अमन है, निष्कलम, कोई कलंक नहीं। कलंक कहाँ होता है, जहां पाप रहता है, जहां वासना रहती है वो कलंक है। निरंजनम कहते हैं, अंजन काला, अप्रमेयम, प्रमेयम माने जो बांधा जाता है, जो गिना जाता है, जो जाना जाता है, नहीं इसको नहीं जान सकते मन के द्वारा नहीं, इंद्र के द्वारा नहीं, वो जो संपाति घूम रहा था उड़ रहा था ऐसे नहीं जान सकते सूरज को, इंद्रिया ही आ जाएगी, अप्रमेयम, ये भी अतद्व्य,
अरूपम, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं है, अनारूपितम, अरूपम निर्गुण निराकारम, अरूपम अव्यक्तम, अव्यक्त रूप है वो, अव्यक्तम अव्यक्तम। फिर अनाख्यम, अनाख्यम मान क्या बोलते समझ रहे हो, इसका कोई आख्या नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, नाम रहितम। आप जब डिस्कशन करोगे ना तो पहले से तय कर दो कि एक एक सबको बोलना है, एक मिनट बोलो, दो मिनट बोलो। जैसे किसी ने बोला परम ब्रह्म, फिर किसी ने बोला सद्वितीय, फिर किसी ने बोला विशुद्ध, दो तीन सेंटेंस तो बोल सकते हो, एक मिनट तो बोल सकते हो। तो ऐसे जो लगभग यहाँ पर 12-15 है, तो जो डिस्कशन करते हैं एक एक करके आ जाएगा। फिर उसके लिए तुम एग्जाम्पल दे सकते हो, सिद्धांत बोल सकते हो। तो ये अनाख्यम, आख्या नाम। तो नाम किसका होता है, जीवात्मा का नाम होता है। नाम किसका होता है, जो कार्य का नाम होता है, कार्य को ही नाम देते हैं, घड़ा आदि। नाम किसके होता है, जो उपाधि का ही नाम होता है, मगर जो उपाधे है, जो निर्गुण है, उसका क्या नाम है। नाम केवल इंडिकेशन है। इवन सच्चित आनंद है ना, वो जो स्वरूप लक्षण बोलते हैं, वो लक्षण ही है, वो नाम नहीं है। समझाने के लिए, इंडिकेशन करने के लिए नाम बताते हैं। देयर इज नो नाम, नथिंग। इसलिए भगवान बुद्ध देव के जातक कथा में आती है, बोध कथा में, वो बंद कर दिया बोलना। अर्थ कि क्या बोले, शब्द क्या बोले, शब्द रहितम। और आवश्यक है, इसलिए सुंदर कथा में है, इंद्र रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप फाड़ व्यक्ति के लिए कहिए, अनाख्यम अव्ययम, वो व्यय नहीं है, खर्च होता है ना, व्यय मैंने क्या खर्च होना, आय व्यय बोलते हैं हम लोग, क्रेडिट डेबिट, वो व्यय नहीं है, अव्ययम। ज्योति ही अव्यय भी अतत व्यावृत्ति, अनाख्यम भी अतत व्यावृत्ति। ज्योति ही, ज्योति स्वरूप, वो स्वरूप लक्षण, स्वयं किंचित इदम चकास्ती, जो भी कुछ है वो प्रकट हो जाता है। चकास्ती माने प्रकट करना, जो कुछ भी यही प्रकट होता है। कुछ भी देखते हो तो प्रकट होने के नाम कौन है, यही है, वही स्फुरति। सत ही यही है, चित ही यही है। एक सुंदर भजन है तुम्हारा, वो भजना बले में होगा, ये ही सागर बनता है, ये ही ऊपर जाता है, ये फिर नीचे आता है, सब तुम ही तुम है, तू ही तू है। इसलिए जो कवि होते हैं, पीर जो होते हैं, वो अपने दोहा, कुछ छोटा सा भजन लिखते हैं, केवल यही है। कबीरदास देखो, रहीमन देखो, रहीमन तो थोड़े भक्ति के प्रकट किया, कबीर तो निर्गुण निराकार का प्रकट किया है। मक्का में भी तू है, मंदिर में भी तू है, तू ही तू है चारों तरफ। सर्वम ब्रह्ममयम, रे रे सर्वम ब्रह्ममयम, किम वचनीयम, किम रचनीयम, अनिर्वचनीय है, कुछ बोल नहीं सकते। अब है त्रिपुटि रहितम, समाधि जब प्रसंग आएगा हमें डिटेल बताएंगे, उसका बोर्ड में बता के। एक होता है सविकल्प समाधि और एक होता है निर्विकल्प समाधि। सविकल्प में त्रिपुटि रहता है, ध्याता ध्येय ध्यान। निर्विकल्प में त्रिपुटि रहितम, वो जो परम ब्रह्म है निर्विकल्पम, ज्ञान ज्ञेय ज्ञातृ भेद रहितम, वो बात बताते हैं 239 में। ज्ञातृ ज्ञेय ज्ञान शून्यम,
अनंतम निर्विकल्पकम, निर्विकल्पम है ना, मगर रियली नीचे निर्विकल्पम है, कल्पकम है, अनंतम निर्विकल्पकम। एक दो तीन चार पांच छह सात, हाँ क होने से आठ अक्षर होगा, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि आठ अक्षर होना चाहिए। तो निर्विकल्प केवल अखंड चिन्मात्रम परम तत्त्वं विदो बुधाः, बुधाः ज्ञानवान मुनि संत लोग ज्ञानी लोग, विदुहु जानते हैं, क्या जानते हैं कि उस तत्व को परम तत्व, वो जो परम ब्रह्म है, परम तत्व है वो केवल अखंड चिन्ह मात्र, वो अखंड चिन्ह मात्र रूप है, असंगोहम 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 पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपोहम अहमेव अहमव्यय, मैं असंग हूं, अखंड चिन मात्र हूं, ज्ञात्र ज्ञेय ज्ञान शून्यम, मैं ज्ञात्र, ज्ञात्र मैंने क्या पता है, ज्ञाता जो जानने वाला है, ज्ञाता, ज्ञेय का अर्थ क्या है, जिसको जाना जाता है, और ज्ञान का अर्थ है जो प्रोसेस है, नोयर द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज एंड द प्रोसेस, ये तीन, इस तीन के इसको बोलते हैं त्रिपुटी। इसको बोलते हैं त्रिपुटी, इस त्रिपुटी से जो शून्य है, त्रिपुटी से जो अलग है, त्रिपुटी रहितम, सविकल्प समाधि में त्रिपुटि सहित ध्याता ध्येय और ध्यान, ये तीन रहता, और ये अनंतम निर्विकल्पम, ये तीन से परे हैं, ये शून्य है, अनंत है और निर्विकल्प है। फिर आगे कहते हैं सुनो, जो ब्रह्म का निरूपण है, स्वरूप तटस्थ अतद्व्यावृत्ति लक्षण के माध्यम से जो निरूपण करते हैं, इस श्लोक में समापन। अहेयम अनुपादेयम् मनोवाचामगोचरम् अप्रमेयमनाद्यन्तम् ब्रह्म पूर्णामहं महः, कहते ये है अहेयम, हेयम माने जो छोड़ना, जिसको आप छोड़ते हो ना उसको बोलते हेय, इसको आप छोड़ नहीं सकते। किसी संत ने बड़ा सुंदर कहा, जगत उसको कहते हैं जो पकड़ नहीं सकते, परमात्मा उसी को कहते हैं जो छोड़ नहीं सकते, वो छूटने पर भी छूटा नहीं जा सकता और पकड़ने पर भी पकड़ा नहीं जाता, कौन जगत, ये अहेय, ये अहेय है, पकड़ नहीं पाते हैं, और अनुपादेयम, ये उपादेय भी नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। स्वामी जी ग्रहण करने योग्य नहीं है, आपने तो कहा था जगत को हेय करो और ब्रह्म को पकड़ो, उपादेय, ब्रह्म को उपादेय माने विवेक के दृष्टि से, कि जो जैसे हंस के लिए कहा जाता है दूध में पानी पानी छोड़ देता है और दूध को ले लेता है, अनित्य वस्तु को छोड़ता है और नित्य वस्तु को लेता है, यह अर्थ है विवेक के लिए, प्रक्रिया के दृष्टि से कहा गया है। और जो परमात्मा है वो उपादे नहीं है, किस दृष्टि से कहा, देखो कर्म ही क्षेत्र है, कुछ प्राप्त करना, उत्पाद्य करना, संस्कार, उस दृष्टि से कहते,
कर्म कहीं सीमा में कुछ चीजें प्राप्त करते है, नहीं कुछ चीजें है, जैसे कोई चीज है ये नहीं है था, तो इसको ले आओ तो उपादेय हो, लेके आना। मर ब्रह्मा सर्वगतम है, क्या ले लोग है, और लेने के लिए जो आपके पास नहीं है उसको आप लेना चाहते हो, ऑलरेडी आपके पास है, वो आपका ही धरोहर है। सुख तुम चाहते ना, सुख के स्वामी हो तुम, तुम्हारे पास सब कुछ है। वो क्या है जिसके कारण कोटि कर्ण ने छोड़ दिया, बताते ना, क्या है जिससे बृहदारण्यक उपनिषद भी याज्ञवल्क्य छोड़ दिया। तभी तो मैत्री पूछती है, आप क्या छोड़ दिए, जिसके कारण ये सब छोड़ा उसको मैं जानना चाहती, बताइए ना। तब वो बताते हैं, हे मैत्री, वो ही ब्रह्म है, इसलिए उसको अनुपादेय नहीं कह सकते। उपादेय प्राप्त करने की कुछ चीज नहीं, ऑलरेडी प्राप्त से प्राप्ति है, इस दृष्टि से अनुपादेय। मनोवाचा अगोचर, मन वाचा से वो अगोचर है, अप्रमेय, ऑलरेडी अप्रमेय कहा था, अर्थात ये मन के द्वारा जान नहीं सकते, मन के द्वारा विचार नहीं कर सकते हैं। ठीक, अप्रमेय, अनादि अंतम, अनादि आद्य अंतम, यह आदि अंत भी नहीं है, जो आदि अंत रहित है। पू ब्रह्म पूर्णम अहम, वो ब्रह्म है पूर्णम अहम, महा महान है, जो हमेशा महान तत्व है, महत्तत्व है। महत्तत्व माने जो प्रकृति वाला महत्तत्व नहीं, महान के दृष्टि से, इसलिए महान आत्मा, महात्मा, उस दृष्टि से वो ब्रह्म पूर्णम अहम। इतना कहने के बाद कहते, अभी हम जो एक वेदांत के जो एक सिरमौर है, वेदांत के जो चूड़ामणि है, वेदांत के जो सुंदर प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया में वेदांत प्रसिद्ध है, महावाक्य विचार, उसको हम बता रहे हैं। ये जो महावाक्य विचार है वो अभी बता रहे हैं। महावाक्य विचार में तत्वबोध भी पढ़ा था, उसमें शब्दार्थ एक होता है और एक लक्ष्यार्थ होता है, ठीक है, फिर आएगा जहत लक्षण, अजहत लक्षण, अजहत लक्षण, जहत अजहत लक्षण, ये सब टेक्निकल शब्द आएगा, उसको बता रहे हैं अभी, पढ़ते हैं। महावाक्य जैसे चार महावाक्य है, उसमें से ये महावाक्य है उपदेश महावाक्य, तत्त्वम असि, इसी को लेकर के आचार्य ने ना एक ग्रंथी बना दिया, उसका नाम है वाक्य वृत्ति। अब पता नहीं कोर्स में तुम्हारा हो सकता है कि नहीं, वाक्य वृत्ति, अपरोक्षानुभूति हो सकता है, तो वाक्य वृत्ति यही अर्थ है। ये जो वाक्य माने महावाक्य, महावाक्य के ऊपर वर्तन किया गया है, महावाक्य के ऊपर विचार किया गया है, पूरा टोटल बड़ी ग्रंथ है। तब देखते हैं महावाक्य, तो उसमें से चार महावाक्य है, अनुसंधान वाक्य, लक्षण वाक्य, इसी इस वाक्य को ही कहा गया तत्त्वम असि महावाक्य, तत्त्वम असि, तत् माने दैट, तुम माने तुम, क्योंकि उपदेश देते हैं ना आचार्य उद्दालक, ऐसे कहानी में छंद उपनिषद है, श्वेत को बता रहे, 9 बार उपदेश देते हैं ये तत्त्वमसि तत्त्वमसि तत्त्वमसि, तत् माने वो परमात्मा, तुम माने वो तुम, असि माने वो तत्त्वमसि। दोनों श्लोक एक साथ जाते हैं, तत्त्वं पदाभ्याम अविधेयमानयोः, तत्त्वं पदाभ्याम अविधेयमानयोः,
ब्रह्मात्मन शोधितयोदिदित्थम्। श्रुत्वा तयोस्तत्त्वमसीति सम्यक्। एकत्वमेव प्रतिपाद्यते मुहुः। ऐक्यं तयोर्लक्षितयोर्न वाच्ययोः। निगद्यतेऽन्योन्यविरुद्धधर्मिणः। खद्योत भान्योरिव राजभृत्ययोः। कृपम्बुराश्यो परमाणुमेर्वोः। इसका अर्थ समझते हैं, फिर बाद में शब्दार्थ लक्षार्थ वो सब डिटेल 11:30 बजे देखेंगे। कहते सुनो क्या तत्त्वम पदाभ्याम, ये जो तत् शब्द और त्वम शब्द, ये जो दोनों का अभिधीय मान यो, अभिधार्थ है, शब्दार्थ है, अविधीय मानयो बोध होने वाले के जो अर्थ है, ब्रह्मात्मनो यो शोधित यो यो यदि इत्थम, इस प्रकार के ब्रह्म और आत्मा, जीव और ब्रह्म आत्मा के लिए शोधित किया जाता है। लक्षार्थ से महावाक्य शोधन किया जाता है। शोधन माने क्या है? साफ करना, अर्थात कहीं चीज है जो उसको साफ किया जाता है, इसको बोलते हैं महावाक्य शोधन। गुरु ने तो बता दिया कि तत्त्वमसि, और हमको तो विरोध लग रहा है, तत्व वो ईश्वर है और तुम मैं जीवात्मा, ये कैसे हो जाएगा? तो जहां विरोध होता है, विरोध वाक्य होता है, तो जो शब्दार्थ से समझ में नहीं आता है, तो फिर एक दूसरा अर्थ लाना पड़ता है, लक्ष्यार्थ, उसी में ही शोधन होता है। फिर वो लक्षण की बात आती है, जहत लक्षण क्या है, अजहत लक्षण क्या है, जहत अजहत लक्षण क्या है, खुद ही आचार्य भी बताएंगे। और अभी इस श्लोक का मैं अर्थ बता देता हूँ, फिर डिटेल जाएंगे। कहते जब अभिधार्थ शब्दार्थ नहीं होता है तो लक्षार्थ लेना पड़ता है, क्योंकि जीव और ब्रह्म के जो परस्पर विरोध वाक्य है, ऐक्यम तयोर लक्षितार्थ नो वाच्य हो, नो वाच्य है जो वाच्यार्थ नहीं होता है। निगद्यते अन्यस्य विरोध धर्म, विरोध धर्म होता है तब, तो क्या करते हैं कि जीव ब्रह्म में विरोध गुण दिखाई देता है, तो चार चार एग्जाम्पल देते हैं। देखना, जैसे सूर्य और जुगनू, सूर्य प्रकाशवान है, जुगनू छोटा है। राजा और सेवक, राजा पूरा पावरफुल है और सेवक ढाल ही उसके पास है और कुछ नहीं। सागर इतना बड़ा है और कुआं लिमिटेड है, और पर्वत मेरु पर्वत बहुत बड़ा है, क्या क्या नहीं है उसमें, और परमाणु छोटा। विरोध को देख करके आप कैसे सामंजस्य कर सकते हैं, बताएंगे हम 11:30 बजे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं।